हेलो फ्रेंड्स, आप सबको एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय भूगोल में हमने पठार के बारे में देखा था। उसमें से सबसे पहले हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वह है केंद्रीय उच्च भूमि, और केंद्रीय उच्च भूमि में भी दो पठारों के बारे में हमने पढ़ लिया था। पहला है मेवाड़ पठार और दूसरा है मालवा पठार। इन दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो जो चैनल में नए आए हैं वह पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, या तो फिर प्लेलिस्ट में, इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, अभी हम जो पढ़ेंगे पठार वह है बुंदेलखंड पठार, जो कि हमारा तीसरे नंबर पर है। आप यहाँ पर मैप में भी देख ही रहे हैं, पहला, दूसरा, उसके बाद में तीसरा है। तो यह जो है बुंदेलखंड पठार, तो इसके बारे में एक एक करके जानकारी को देखते हैं। तो बुंदेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो दोस्तों, यह जो बुंदेलखंड पठार है इसका जो विस्तार है मेनली वह भारत के दो राज्यों में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। आप अगर मैप में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा कुछ इस प्रकार से है, और बाद बाकी इधर वाला आपका जो हिस्सा है वह एमपी पड़ता है, और यह है यूपी। इस प्रकार से आपको मैप में दिख जाएगा। तो यही वाला क्षेत्र में फैला हुआ है हमारा बुंदेलखंड पठार। तो आपको अगर मैप मिल जाएगा तो आप वहां से देख सकते हैं इस प्रकार से। तो इसका जो विस्तार है वह दो राज्यों में है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में है। यह पठार पर्वतदार रवेदार ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, साथ ही ग्रेनाइट और नीस की अधिकता भी है। दोस्तों, यह जो बुंदेलखंड पठार है इसमें ज्वालामुखी चट्टान तो बना ही हुआ है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में, लेकिन यहाँ पर जो चट्टाने हैं उसमें रवेदार वाले चट्टान है, और साथ ही साथ परतदार वाले, यानी कि एक लेयर के ऊपर में दूसरा लेयर, इस प्रकार से बिछा हुआ चट्टाने हैं इस बुंदेलखंड पठार में। और यहाँ पर ग्रेनाइट का भी चट्टाने मिलती हैं, साथ ही साथ निस वाले पत्थर भी, निस वाले चट्टान भी इसी बुंदेलखंड पठार में आपको मिल जाएंगे। बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदियां हैं सिंध, केन, धसान आदि। दोस्तों, ये जो पठार है यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि में बहुत सारी नदियां हैं, और वे नदियां उत्तर की ओर बहती हुई गंगा और उसकी सहायक नदियों में मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बुंदेलखंड पठार, उसमें की जो प्रमुख नदियां हैं वह है आपका सिंध नदी, केन नदी, धसान नदी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं जो आपको बुंदेलखंड पठार में मिल जाएंगी। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड जो पठार है इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है, ये जो पूरा पठार है उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है उस चोटी का नाम है सिद्ध बाबा पहाड़ी। तो यह नाम आपको याद करना, यह मेरे मेरे इंपॉर्टेंट है। और इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है वह है 1722, यानी कि 1722 मीटर है। तो आपको ये भी याद रखना है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिद्ध बाबा पहाड़ी जो है वह कहाँ पर है, या तो फिर वह किस पठार का हिस्सा है। हो सकता है उसकी ऊंचाई भी पूछ लिया जाए कोई ना कोई एग्जाम में। तो आपको इतनी सारी जानकारी का ध्यान रखना है कि सिद्ध बाबा पहाड़ी जो चोटी है वह बुंदेलखंड पठार का हिस्सा है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। आपको ये याद रखना है। इस पठार में लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों, यह जो बुंदेलखंड पठार है उसमें लाल मिट्टी की भी प्रधानता है, साथ ही साथ काली मिट्टी भी मिलती है, और इन दोनों के मिलने से जो भूरी मिट्टी का निर्माण होता है वह मिट्टी भी आपको इसी बुंदेलखंड पठार में मिल जाएगी। तो यहाँ पर लगभग तीन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, और इन दोनों के मिलने से भूरी जो मिट्टी है उसका भी निर्माण हो जाता है, और ये मिलता है हमारा बुंदेलखंड पठार में। तो यह भी आपको याद करना है। बुंदेलखंड पठार में स्थित प्रमुख शहर झांसी, ललितपुर, महोबा और आदि हैं। तो इसमें जो प्रमुख शहर हैं वह है झांसी, ललितपुर और महोबा। दोस्तों, ये जो झांसी है वह हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और यह जो उत्तर प्रदेश में झांसी है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह इसका नाम सुनते ही हमें सबसे पहले हमारा ध्यान में आता है रानी लक्ष्मीबाई का नाम, जो कि झांसी की रानी थी। और इसके बारे में तो हमें कहना ही क्या, यह तो स्वतंत्रता की एक बहुत वीरांगना ही थी जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित जो है वह है हमारा झांसी। तो यह है रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, लक्ष्मीबाई। दोस्तों, इसके अलावा में जो ललितपुर है यह भी है हमारा इस बुंदेलखंड पठार में एक शहर, और इसमें जो ललितपुर है वह भी हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारे ऐसे दर्शनीय चीज़ें भी हैं जो आपको ललितपुर में देखने मिल जाएगी। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ महोबा, यह भी जगह जो है वह बुंदेलखंड पठार में स्थित है। तो इस प्रकार से यह बुंदेलखंड
पठार है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पठार है हमारा भंडेर पठार। तो दोस्तों जो आप लोग मैप में देख रहे हैं चौथे नंबर पर है हमारा भंडेर पठार। तो इस पठार का जो विस्तार है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है, तो इसका विस्तार है मध्य प्रदेश राज्य में। लेकिन इससे पहले जो था हमारा बुंदेलखंड पठार, उसका विस्तार दो राज्यों में था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो यह है आपको याद रखना कि भंडेर पठार का विस्तार जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। यह पठार विंध्य पर्वत श्रेणी के कैमूर पहाड़ियों से लगा हुआ है। तो दोस्तों यह जो है हमारा चौथे नंबर का पठार, वह ये तो है हमारा रेड कलर का विंध्य पर्वत श्रेणी, तो इसी के एकदम आगे की ओर जो छोर है यानी कि उत्तर पूर्व की ओर जो छोर है वह होता है हमारा कैमूर पहाड़ियाँ। तो यह जो है कैमूर पहाड़ियों के साथ में यह लगा हुआ है। तो यह भी आपको याद रखना है कि विंध्य पर्वत श्रेणी का जो है कैमूर पहाड़ियों के साथ में यह लगा हुआ है यह पठार। इस पठार की ऊपरी परत बलुआ पत्थर से ढका हुआ है। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि इसका जो ऊपरी परत है वह बलुआ पत्थर से ढका हुआ है, यानी कि ज्वालामुखीय उद्गार होने के बाद में जो भी चट्टाने हुए, जो भी पठार का निर्माण हुआ है उसमें भी यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह हमारा भंडेर का पठार तो बलुआ पत्थर से ढका है इसका ऊपरी परत इस पठार का। इस पठार की प्रमुख नदी है टोंस। तो यह जो है भंडेर पठार उसका जो सबसे प्रमुख नदी है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं निकलती हुई सीधे गंगा और उसके सहायक नदियों मिल जाती हैं, फिर भी अगर हम लोग इस पठार में बात करते हैं तो सबसे यहाँ पर प्रमुख नदी है उस नदी का नाम टोंस है। तो यह इसकी प्रमुख नदी है टोंस। भंडेर पठार पर ही भंडेर पहाड़ी स्थित है। दोस्तों इसी पहाड़ी पर, इस पठार के नाम पर ही एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है भंडेर पहाड़ी। तो भंडेर पहाड़ी भी है इसी भंडेर के पठार पर ही। तो यह आपको याद रखना है कि इसका जो विस्तार है वह मध्य प्रदेश राज्य में है और इसका जो इस पठार का जो ऊपरी हिस्सा है यानी ऊपरी परत है वह बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो यह दोनों इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ यहाँ से टोंस नदी होकर के बहती है इस पठार से, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पठार है हमारा रीवा पन्ना का पठार। और इस रीवा पन्ना पठार का जो विस्तार है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। तो आपको यह भी याद रखना है कि रीवा पन्ना का जो पठार है उसका विस्तार है हमारा मध्य प्रदेश राज्य में, यह है इसका विस्तार मध्य प्रदेश में। और यह पठार जो है वह कैमूर पहाड़ियों से ही लगा हुआ है। तो इसका भी जो विस्तार है वह भी कैमूर पहाड़ियों से ही लगा हुआ है, या कैमूर पहाड़ियाँ भी इसी पठार में स्थित है। और दोस्तों इस पठार में जो है टोंस नदी, सोन नदी और इस सोन नदी की अन्य सहायक नदियाँ इसी रीवा पन्ना पठार से होकर के बहती है और गंगा और उसकी सहायक नदियों में जा करके मिल जाती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नदी है वह टोंस और सोन नदी। और दोस्तों रीवा पन्ना पठार में स्थित प्रमुख जो शहर हैं उसमें है छतरपुर और पन्ना। इसके अलावा भी और कुछ शहर हैं लेकिन इसमें जो मेनली जो शहर है वह है छतरपुर और पन्ना। और दोस्तों इसमें यह जो पन्ना है यह इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी ध्यान रखना है कि यह जो पन्ना है वह मध्य प्रदेश का तो एक शहर है ही, साथ ही साथ यह हीरो के लिए फेमस है, यानी कि डायमंड, हीरा या हीरे। तो हीरे की खान, हीरे की खान यहीं पर स्थित है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं डायमंड। और दोस्तों इसी पन्ना में ही हमारा नेशनल पार्क भी है, पन्ना नेशनल पार्क। और साथ ही यहीं पर है हमारा टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व इसी पन्ना शहर में। और यह जो पन्ना है वह हमारा है रीवा पन्ना पठार में, जो कि इसका विस्तार है मध्य प्रदेश राज्य में। तो आपको यह याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, ये जो पन्ना शहर है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह डायमंड यानी हीरे के लिए प्रसिद्ध है या हीरे के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो था हमारा रीवा पन्ना पठार। अब नेक्स्ट पठार है हमारा रोहतास पठार और इसका जो विस्तार है वह भारत के बिहार राज्य में है। तो दोस्तों यह जो है हमारा रोहतास पठार जो कि छठे नंबर का पठार है यहाँ पर मैप के हिसाब से, और इसका जो विस्तार है वह है हमारा बिहार राज्य में। और दोस्तों कैमूर पहाड़ी का विस्तार हमारा रोहतास पठार में भी है। तो कैमूर पहाड़ी का जो विस्तार है वह हमारा इस रोहतास पठार में भी स्थित है। दोस्तों इसी रोहतास पठार का हम लोग एक और नाम जानते हैं, या इसी को हम लोग एक और नाम से कहते हैं, उसको है कैमूर पठार, यानी कि कैमूर का पठार भी हम इसी रोहतास पठार को ही कहते हैं। तो इसी का एक नाम जो है वह है कैमूर पठार, तो यह आपको याद रखना है। तो अन्य नाम जो है इसका, अन्य नाम वह है कैमूर पठार।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमने केंद्रीय उच्च भूमि का जो यहाँ 6 भाग मैंने बताया था आपको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इसमें से सब एक एक करके ख़त्म हो गया है। और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता, वो सब सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दिया है। तो पहले नंबर पर हमने मेवाड़ पठार देखा था, दूसरे पर मालवा पठार देखा था, तीसरे में बुंदेलखंड, चौथे में भंडेर, फिर रीवा पन्ना पठार और फिर रोहतास पठार, इस प्रकार से सारे खत्म हो गए। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था हुआ था हमारा मालवा पठार और बुंदेलखंड पठार भी, और इसके अलावा ये जो रीवा पन्ना पठार है, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको केंद्रीय उच्च भूमि का जो भी पठार है वो सब सारी जानकारी को याद रखना है। इसको आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स के हिसाब से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ें याद होती जाती है इसमें, अगर नोट्स बनाते हैं तब। तो दोस्तों अगले भाग में हम लोग और देखेंगे, यहाँ पर नीचे वाला जो बड़ा सा हिस्सा है यह होता है हमारा दक्कन का पठार, यानी दक्कन प्लेटू। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे। तो आप लोग इतनी सारी जानकारियों को देखते हुए चलेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर से जरूर वीडियो को देखिए, वहाँ पर बहुत सारी जानकारी इंडियन ज्योग्राफी से आप लोगों को दिया गया है। तो जो चैनल में नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।